बिजनौर क्षेत्र के गांव निवासी युवक पर पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप। पत्नी की तहरीर पर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोप में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी पति ने कहा कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। एसपी बिजनौर से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल अफजलगढ़ नगर के मोहल्ला नेजोसराय निवासी इरफाना पत्नी मोइनुद्दीन अंसारी ने बताया कि एक बाप ने बाप बेटी के रिश्ते को दागदार कर ऐसी घिनौनी हरकत की वारदात को अंजाम दिया है, जिसे सुनकर सब हैरान और परेशान है। मोइनुद्दीन अंसारी पुत्र सिराजुद्दीन यूं तो 5 बच्चों का पिता है, लेकिन आरोप ये है कि एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, उसी का पिता उस पर बुरी नीयत रखने लगा है और पिछले 1 साल से अपनी बेटी के साथ डरा धमका कर उसकी इज्जत के साथ खेल रहा है। बेटी ने जब हिम्मत करके अपने पिता की करतूत माँ को बताई तो वो भी सन्न रह गई। पत्नी ने जब पति का पुरजोर विरोध किया तो पति ने अपनी पत्नी को समाज के सामने 3 तलाक देकर रफू चक्कर हो गया। मेरा नाम इरफाना है, मैं अफजलगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम मोइनुद्दीन है, मेरी बेटी की उम्र 17 साल है। मेरे पति 1 साल से मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करते रहे और 2 बार बलात्कार भी किया, और जब मैंने विरोध किया तो मुझे तलाक दे दी। मैं आज अपनी बेटी को लेकर अफजलगढ़ थाने में आई हूँ। मेरे पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मेरे पति को फांसी लगनी चाहिए। वहीं पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी मोइनुद्दीन के खिलाफ थाने में संगीन धाराओं में केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन वहीं शनिवार की सुबह नगर में स्थित जसपुर तिराहे पर बस स्टैंड पर सड़क के बीचों बीच बैठकर आरोपी पति मोइनुद्दीन अंसारी ने लोगों को अपनी बेगुनाही के बारे में चीख चीख कर बताया कि शहर के जिम्मेदार लोग मेरी बात सुनो, कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। अगर मेरी पत्नी द्वारा लगाए गए इल्जाम सही साबित होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आता है तो मुझे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दो। जो गुनाह मैंने नहीं किया, मुझे मेरी पत्नी और पूर्व प्रधान द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। मैं शहर के जिम्मेदार लोगों से मदद की गुहार लगाता हूँ। मैं मुलजिम नहीं हूँ, मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कर एसपी बिजनौर से इंसाफ की गुहार लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति मोइनुद्दीन अंसारी को हिरासत में ले लिया। उधर थाना अध्यक्ष पुष्कर सिंह मेहरा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति मोइनुद्दीन अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। डीपीपी न्यूज से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट। यदि अभी तक आपने डीपीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले डीपीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।